नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश कौशिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। तो चलिए चलते अपने रिपोर्टर के पास। तो अंकित जी, बताइए हमारे दर्शकों को आज के मौसम के बारे में। हिसार मौसम विभाग ने एक बार फिर से हरियाणा के 22 के 22 जिलों के लिए मौसम पूर्वानुमान जारी किया है। 16 मार्च को हरियाणा के किस जिले में होगी बारिश और कहां पर रहेगा मौसम साफ, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हरियाणा मौसम की हर ताजा अपडेट सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस एक बार जरूर कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं हरियाणा का मौसम। सबसे पहले शुरू करेंगे हरियाणा के पंचकुला जिला से। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, सिरसा और फतेहाबाद, इन जिलों में सुबह के समय हल्की ओस रहेगी जबकि दिन के समय गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी देखी जा सकती है। यहाँ पर सामान्य गति की हवाएं चलेंगी। यहाँ का दिन के समय अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा जबकि रात के समय इन जिलों का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। अब बात करते हैं जींद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी और झज्जर जिले की। इन जिलों में भी सुबह के समय हल्की ओस रहेगी जबकि दिन के समय आमतौर पर मौसम साफ बना रहेगा। शाम के वक्त आकाशीय बादल नजर आ सकते हैं लेकिन बारिश की इन जिलों में कोई संभावना नहीं है। यहाँ पर सामान्य गति की हवाएं चलेंगी। यहाँ का दिन के समय अधिकतम तापमान 23 डिग्री जबकि रात के समय इन जिलों का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। अब बात करते हैं महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और मेवात जिले की। इन जिलों में भी सुबह के समय हल्की ओस रहेगी जबकि दिन के समय आकाशीय बादल रहेंगे जबकि बारिश की इन जिलों में कोई संभावना नहीं है। यहाँ पर सामान्य के मुकाबले मंद गति की हवाएं चलेंगी। यहाँ का दिन के समय अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा जबकि रात के समय इन जिलों का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस मापा जा सकता है। तो ये थी हमारी तरफ से आपके लिए हरियाणा मौसम की जानकारी। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारी खबरों पर एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इन खबर पर आपकी क्या है राय वो हमें ज़रूर बताएं। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। जब तक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी से और साथ ही घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो पहुँच सके आपके पास सबसे पहले।